हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। बहुत तरक्की की थी आरव ने इन 9 महीनों में। बिजनेस को उस बुलंदियों पर ले गया था वो, जहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है। सब पा लिया था उसने, नाम, इज्जत, शोहरत, रुतबा। लोग खौफ से नहीं, सम्मान से उसका नाम लेते थे। पर सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था उसके पास। दिल में एक चुभन थी कि जिसके लिए ये सब है वो कहाँ है, और पछतावा वो तो हर पल उसे होता था। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। अगर कुछ नहीं बीता तो वो वक्त नहीं बीता सिर्फ आरव के लिए। वो आज भी वहीं खड़ा था जहाँ नैना उसे छोड़कर चली गई थी। 5 साल बाद 5 साल गुजर गए थे। इधर विवान आईने के सामने खड़ा होकर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। पलक नहाकर बाहर आती है, दोनों की नज़रें टकराती है। दिल में हलचल होती है, पर अगले ही पल दोनों अपनी नज़रें फेर लेते हैं। ऐसा नहीं था कि दोनों में बात नहीं होती थी, होती थी बात, पर जब तक दोनों के आसपास कोई हो, वरना अकेले में तो वो दोनों भी वही थे जहाँ 5 साल पहले थे। वो दोनों सिर्फ माँ बाप बने थे, पति पत्नी नहीं। दोनों आज भी अपना वादा निभा रहे थे कि जब तक आरव और नैना को एक नहीं कर देते वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, करते थे, बहुत प्यार करते थे। बल्कि इन 5 सालों में तो दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया था, बस वो जता नहीं पाते थे। दिल में अपने प्यार को दबा रखा था, अपने प्यार को। कारण तो आप सबको पता ही है। विवान अपने हाथ में घड़ी पहनते हुए बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद पलक भी रेडी होने लगती है, वो भी ऑफिस जाती थी। आरव, विवान और पलक तीनों ने ही बहुत मेहनत की थी अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। ये भी विवान की ही जिद थी कि पलक को अपने पैरों पर खड़ा होना है, वो रहे ना रहे, पर पलक को इस काबिल बनाना है कि उसे किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। और इन सब में पलक का साथ दिया उसकी माँ ने, घर और बच्चा दोनों को संभाला। विवान ने अब भी नैना की तलाश में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था, पर हर बार निराशा ही उसके हाथ लगती थी। कुछ ही देर में पलक भी रेडी होकर बाहर आती है। ब्रेकफास्ट की टेबल पर विवान और पलक, और पलक की माँ भी थी। विवान जो कोई फाइल पढ़ने में बिजी था, पलक उसके पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए वो फाइल बंद कर देती है। विवान उसकी तरफ देखता है, पलक बिना किसी भाव के कहती है, कम से कम ब्रेकफास्ट करते वक्त तो ये फाइल्स दूर रखा करो। विवान फाइल एक साइड में रखते हुए कहता है, सॉरी। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, आरव नहीं आया अभी तक। ऊपर कमरे में ब्लू कलर का 3 पीस कलाई पर बंधी महंगी घड़ी, सॉलिड बॉडी, सलीके से सेट किए हुए बाल, चेहरे पर तेज, होठों पर स्माइल, हाथ में पकड़ा हुआ नैना का मंगलसूत्र। आरव नैना के मंगलसूत्र को देखता है और कहता है, आज तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि एक बहुत बड़ी डील साइन करने जाना है, तो प्लीज़ नाराज़ मत होना, रात को वापस आकर सब बताऊँगा। ये कहकर वो मंगलसूत्र को किस करता है और अपनी जेब में रख लेता है। पीछे से एक आवाज़ आती है, किससे बात कर रहे हैं बड़े पापा? एक मीठी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। आरव पीछे मुड़कर देखता है तो अपनी स्कूल ड्रेस पहने, बालों में पिंक कलर का हेयर बैंड लगाए आरव के बिस्तर पर बैठी वो उसकी एक फाइल में अपनी कलाकारी कर रही थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां फाइल के पन्नों पर चल रही थी जिसमें उसने पेन पकड़ा हुआ था। आरव जल्दी से जाकर वो फाइल देखता है तो, ओ परी माई डॉल, बड़े पापा का काम आपने बढ़ा दिया। परी पलक और विवान की बेटी, रंग रूप, नैन नक्श बिल्कुल पलक पर, वैसे ही गालों में पड़ते डिंपल और भूरी भूरी आंखें। आरव ने ही उसका नाम परी रखा था कि ये सबकी ज़िंदगी में एक परी बनकर आई है। परी एकदम से आरव की गोद में बैठते हुए कहती है, सॉरी बड़े पापा। आरव उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठता है और अपना एक गाल आगे करते हुए कहता है, बड़े पापा को किस्सी दो। परी भी तुरंत आरव के गाल पर अपने प्यार की छाप छोड़ती है। आरव उसे ऐसे ही गोद में उठाए नीचे जाने लगता है और साथ साथ परी से बातें करते हुए कहता है, अभी तक आप स्कूल क्यों नहीं गए? परी अपनी छोटी छोटी बाहें उसके गले में लपेटते हुए कहती है, आज स्कूल जाने का मूड नहीं था बड़े पापा। आरव हैरानी से कहता है, ओहो तुम्हारा मूड।
दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए नीचे आते हैं। परी को देखकर पलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो कहती है, तुम अभी तक स्कूल नहीं गई? परी, जो अभी भी आरव की गोद में थी, वो एकदम से कहती है, बड़े पापा ने जाने ही नहीं दिया मम्मी। ये सुनते ही आरव हैरानी से उसकी तरफ देखता है। परी बहुत मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी। आरव उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा देता है। परी उसकी गोद में से उतरकर विवान की गोद में जाकर बैठ जाती है। पलक आरव की तरफ देखते हुए कहती है, ये गलत बात है जीजू, आप हमेशा परी की साइड लेते हो। हाँ, पलक ने आरव को जीजू भी बोला। एक वक्त था जब पलक उससे बात करना तो दूर उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, पर आरव की हालत, उसका पछतावा, उसके आंसू, उसकी सच्चाई, पलक नहीं रोक पाई खुद को उसे माफ़ करने से। पलक की माँ भी जैसे ठीक हुई तो उसने आरव को धन्यवाद करना चाहा, तो आरव किसी बच्चे की तरह उनकी गोद में सर रख कर लेट गया और एक एक करके अपनी सारी गलती उन्हें बताई और ये भी बोला कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, मुझे सजा दीजिए। पर पलक की माँ कहती है, मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली, ये हक तो सिर्फ नैना का है और शायद वो आपको सज़ा देकर ही गई है। देखा है मैंने आपको रातों को तड़पते हुए, दिल में दर्द लेकर, होठों पर मुस्कान सजाते हुए, इससे बड़ी सज़ा भी कोई हो सकती है क्या? एक तरफ आपने मेरी जान बचाई और दूसरी तरफ मैं क्या ही बोलूं, पर आपकी आंखों में दिखता है साफ कि कितनी तकलीफ़ तो शायद नैना को भी नहीं दी आपने जितनी खुद को दे रहे हैं। दोनों की ही आंखों से आंसू बह रहे थे। खैर, आरव पलक को कहता है, कोई बात नहीं, बच्ची है, चलो तुम दोनों जल्दी से ब्रेकफास्ट करके ऑफिस आओ, मैं चलता हूँ। विवान कहता है, ब्रेकफास्ट तो कर ले। आरव एक सैंडविच उठाकर खाते हुए वहाँ से चला जाता है। विवान नज़रों से उसका पीछा करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तू ऊपर से कितना भी दिखाता हो कि तू खुश है, पर नहीं, अंदर ही अंदर आज भी तड़प रहा है तू, अंदर ही अंदर घुट रहा है तू, और ये घुटन तभी दूर होगी जब तक तू नैना से माफ़ी नहीं मांग लेता। पलक की माँ कहती है, चलो आओ परी, हम लोग अंदर चलते हैं, मम्मा पापा को ब्रेकफास्ट करने दो। पलक की माँ परी को लेकर अंदर चली जाती है। इसके बाद पलक और विवान के बीच वही खामोशी छा जाती है। दोनों ही चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इधर आरव अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। घर से निकलते वक्त जो उसके चेहरे पर मुस्कान थी वो अब उदासी में बदल गई थी। यही तो कर रहा था आरव पिछले 5 सालों से, किसी को भी अपनी तकलीफ बताकर किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। उसकी नज़र में तो पलक और विवान का रिश्ता तो बिल्कुल ठीक था, पर उसे क्या पता था कि जैसे वो उनकी खुशी के लिए अपना दर्द बाहर नहीं निकालता, वैसे ही आरव की खुशी के लिए पलक और विवान भी उसके सामने हैप्पी कपल का दिखावा करते थे। आरव का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और आरव अपनी सोच में गुम बस खिड़की से बाहर देखता है। कुछ ही देर में आरव की गाड़ी उसके ऑफिस के सामने जाकर रुकती है। गाड़ी के ब्रेक लगने से आरव अपनी सोच से बाहर आता है और गाड़ी से उतरता है और फिर से नकली मुस्कान अपने होठों पर सजा लेता है। सामने बड़ी सी 8 मंजिल की बिल्डिंग थी। वो मुस्कुराते हुए अंदर जाता है। सारा स्टाफ मुस्कुराते हुए उसको मॉर्निंग विश करता है और आरव भी सबको मुस्कुराते हुए उसका जवाब देता है। सारा स्टाफ आरव को बहुत पसंद करता था और करे भी क्यों ना, खुद को बदल जो इतना लिया था उसने। कुछ लड़कियां तो दिल देने को भी तैयार थी उसे, पर आरव ने किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा था। वो तो हर वक्त नैना के ख्यालों में गुम रहता था। आरव सीधे अपने कैबिन में जाकर अपनी नज़रें लैपटॉप पर जमा लेता है। थोड़ी देर में उसे एक डील साइन करने के लिए जाना था। वो बस विवान और पलक का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद गुस्से से भरा हुआ विवान अंदर आता है और उसके पीछे पलक भी। विवान के हाथ में जो फाइल थी वो जोर से टेबल पर पटक देता है और अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ जाता है। पलक अब भी खड़ी थी। आरव इशारे से पलक से पूछता है कि इसे क्या हुआ। बदले में पलक अपने कंधे उचका देती है। आरव विवान की तरफ देखकर कहता है, कुछ बताएगा भी? विवान खुद के गुस्से पर काबू पाते हुए कहता है, ये डील भी हमारे हाथ से निकल गई। पिछले 2 महीनों में एक के बाद एक ऐसे 4 बड़े डील हमारे हाथ से निकल गए हैं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी। आरव बहुत आराम से कहता है, तो क्या हुआ, इतनी मेहनत के बाद भी अगर हमें डील नहीं मिली तो मतलब साफ है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। विवान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तू तो चुप ही रह, कोई मेहनत वेहनत नहीं की है किसी ने, पैसा चढ़ाया है मोटा और हम।
आरव एक गहरी सांस लेकर कहता है, छोड़ना यार, पलक तुम समझाओ इसे। इससे पहले पलक कुछ बोलती, विवान बीच में ही कहता है, सबसे ज़्यादा मेहनत तो तूने की थी यार, मेरा दिल कर रहा है उनका मुंह तोड़ दूँ जाकर, और एक तू है जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पता नहीं कैसा हो गया है तू। आरव एक फीकी हंसी हंसते हुए कहता है, यूं ही ऐसा नहीं हुआ हूँ, अपना सब कुछ खोया है मैंने ऐसे बनने के लिए। ये कहकर वो कैबिन के अटैच बाथरूम में चला जाता है। शायद कमज़ोर पड़ गया था वो इस लम्हे में, नमी तैर गई थी उसकी आंखों में। अंदर जाकर वो तेज तेज सांसें लेने लगता है। अपनी जेब से नैना का मंगलसूत्र निकालकर कसकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। जब भी वो कभी कमज़ोर पड़ता था तब वो ऐसा ही करता था। बाहर विवान उसकी बात पर निःशब्द हो जाता है। आरव की तकलीफ उससे छिपी नहीं थी। पलक उसके सामने पानी का गिलास करते हुए कहती है, शांत हो जाओ, जीजू को हमारी ज़रूरत है। विवान मन में कहता है, कहाँ हो तुम नैना, आकर देखो क्या हालत हो गई है आरव की। पछतावे की आग में दिन रात जल रहा है मेरा भाई, एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। लौट आओ वापस, लौट आओ। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर कौन है वो इंसान जो आरव की कंपनी की डील अपने पास ले रहा है, आखिर कौन है ये नया शख्स। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों।